इस वीडियो में मैं आप लोगों को आधार का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपके साथ में जो फ्रॉड होता है, कोई भी धोखाधड़ी होता है, आप लोग बिना कुछ भी टाइम गवाए सिर्फ चुटकियों में ऐसे सिर्फ चुटकी बजाते ही आप पता कर सकते हो कि आपके साथ कहां कहां पे फ्रॉड किया जा रहा है, आपका आधार कार्ड का कहां कहां पे मिसयूज़ किया जा रहा है। आधार कार्ड का मिसयूज़ का मतलब ये हुआ कि आधार कार्ड आपके पास रहता है लेकिन आपके आधार कार्ड से OTP सिर्फ वेरीफाई करके आपका आधार कार्ड कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। कैसे, आपको इस वीडियो में पूरा पता पड़ जाएगा। मैं आप लोगों से ये बोलूँ कि आप लोगों को आधार कार्ड का क्या आपको पता है कि आपका आधार कार्ड कहां कहां पे यूज़ किया गया है, लेकिन आप लोग बोलोगे कि हाँ मुझे पता है, मैंने अपना आधार कार्ड एक बैंक में यूज़ किया है, दूसरे जगह कहीं भी यूज़ नहीं किया, एंड एक सिम निकालने में यूज़ किया, लेकिन और भी जगह बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे आधार कार्ड का यूज़ होता है लेकिन आप लोगों को भी नहीं पता चलता है। जैसे कि मोबाइल बैंकिंग का हो गया, या नहीं तो अदर कोई OTP वेरीफाई करने का हो गया, बहुत से ऐसा जो वर्क होता है जिसमें आधार कार्ड आज के टाइम पे रिक्वायर्ड हो गया है लेकिन किसी को भी पता नहीं पड़ता है, एंड उसका पर्सनल डिटेल लीक हो जाता है जिससे उनका जो बैंक का अकाउंट होता है, बैंक में जो बैलेंस होता है, वो निकल जाता है इजी तरीके से। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसा ट्रिक शेयर करूँगा जिससे आप लोगों को पता पड़ता रहेगा कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, एंड आप लोगों के साथ फ्रॉड होने में आप लोग अपने आप को बचा सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले करना क्या होगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का यहाँ पे लाल कलर का बटन दिख जाएगा, सिंपल सा उस पर टैप करना है। टैप करते ही यहाँ पे आपको ये बेल आइकन दिख जाएगा, इसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ट्रिक को, ये जानकारी को लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे जाना होगा, मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा, उसमें आपको सर्च करना होगा UIDAI, जो इसका आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सर्च करना होगा। यहाँ पे देख लीजिए UIDAI.go.in, आप सिंपल सा UIDAI भी सर्च कर सकते हो। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे फर्स्ट इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा और बैक करूँगा, बैक करके मैं टोटल आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट इंटरफेस आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आपको सर्च करना होगा UIDAI, यही सिर्फ सर्च कर दीजिए। सर्च करते ही आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा, या नहीं तो आपका जो फर्स्ट पोर्टल ओपन होगा उस पर क्लिक कर देना है, फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है आधार कार्ड का। उसके बाद आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड का हिस्ट्री निकालने के लिए कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, मिस यूज हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे 3 लाइन मिल जाएगा, सत्यमेव जयते के नीचे। यहाँ पे मैं जूम करूँगा, यहाँ पे देख लीजिए ये सत्यमेव जयते, इसके नीचे ये 3 लाइन है, 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। 3 लाइन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको 5-6 ऑप्शन मिल जाता है, माई आधार, अबाउट आधार, इकोसिस्टम का ऑप्शन, मीडिया एंड यहाँ पे रिस्कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट का। तो सिंपल सा आपको माई आधार पे क्लिक करना है। जैसे आप माई आधार पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आपको 5-6 ऑप्शन मिल जाता है, माई आधार के नीचे गेट आधार, अपडेट योर आधार, आधार सर्विस, अबाउट योर आधार, आधार योर नंबर एंड डाउनलोड। सिंपल सा आपको यहाँ पे आधार सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे आप आधार सर्विस पे क्लिक करोगे एक न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा। न्यू पोर्टल ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस आपको मिलेगा, जैसे कि वेरीफाई आधार, वेरीफाई यहाँ पे आपको वेरीफाई रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल, आपको ऐसे बहुत से ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो सिंपल सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री का, यहाँ पे आपको टैप करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो एक और न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाने के बाद आपका जो इंटरफेस आता है वो मैं आपको यहाँ पे आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम भी लग जाता है, मुश्किल से मुश्किल आपको 10 से 20 सेकंड का यहाँ पर टाइम लग जाएगा, या नहीं तो अगर आपका नेटवर्क वीक है तो 1 मिनट से 2 मिनट के बीच भी टाइम लग सकता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपका हिस्ट्री निकालने के लिए, आधार हिस्ट्री निकालने के लिए सिंपल सा यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा, एंड ये कैप्चा यहाँ पे, कैप्चा यहाँ पे फिल करना है, एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उस पर एक OTP आएगा, एंड उसके बाद आपका हिस्ट्री ओपन होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फुल लाइव करके आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे आप अपना आधार का हिस्ट्री निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने अपना यहाँ पे आधार नंबर भी फिल कर दिया, फिल कर देने के बाद यहाँ पे
जो इसका कैप्चा है नीचे कैप्चा दे रखा है, कैप्चा भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा। सिंपल से मैं यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है ओटीपी सेंड योर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर चेक योर मोबाइल, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। उसके बाद वेट करने के बाद हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आ जाने के बाद यहाँ पे सिंपल सा ऑल पे ये क्लिक करना है। ये देख लीजिए ऑथेंटिकेशन यहाँ पे टाइप को बोल रहा है तो ऑल पे रखना है। ऑल का मतलब ये हुआ कि आपके आधार से अगर ओटीपी से भी वर्क किया गया, बायोमेट्रिक से भी वर्क किया गया या डेमोग्राफी से वर्क किया गया हो, सब कुछ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डेमोग्राफी एंड ओटीपी, बायोमेट्रिक एंड ओटीपी, डेमोग्राफी एंड बायोमेट्रिक या ओटीपी, तो ऑल पे हमें क्लिक करना है ताकि हम सब डिटेल चाहते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे देख लीजिए आपका ऑप्शन से यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे डेट एंड टाइम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये कम से कम आप यहाँ पे मार्च तक रहेगा आपका, मतलब 6 महीने तक ही रहता है। तो 23 तारीख से लेके हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आज का डेट यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिनिमम आप 50 रिकॉर्ड यहाँ पे अलाउ है, तो मिनिमम यहाँ पे 49 हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी हम फिल कर देते हैं। तो ओटीपी अभी तक मेरा नहीं आया है, आप देख सकते हो, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। ओटीपी आ जाने के बाद आगे का जो ऑप्शन आता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ओटीपी आ चुका है मेरा, ओटीपी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। प्लस जैसे कि यहाँ पे मिनिमम आपको रिकॉर्ड यहाँ पे 50 रिकॉर्ड अलाउ करेगा, तो यहाँ पे 49 आप सेलेक्ट कर दीजिए। एंड आपको यहाँ पे आपका 6 मंथ तक आपका डेट टाइम, यहाँ पे 6 मंथ के अंदर जितना भी आपने ट्रांजेक्शन किया है, बायोमेट्रिक आपके यूज़ हुआ है या आधार आपका यूज़ हुआ है, वो आपका फिंगरप्रिंट से यूज़ हुआ है या नहीं तो ओटीपी से, वो सब यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो आपको ये टाइमिंग सेलेक्ट कर लेना है, डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑल पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करता हूँ। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद एक और न्यू पोर्टल ओपन करेगा, यहाँ पे एक और पेज ओपन करेगा। एंड वहाँ पे आपका टोटल जितना भी रहेगा आपका आधार जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है वो सब ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए एक और न्यू पेज ओपन हो गया यहाँ पे, और मैंने बताया था कि ऑल पे क्लिक करना है, ये ऑल का ही है। उसके बाद यहाँ पे डेट रेंज बता रहा है कि मार्च से लेके अभी तक जो चल रहा है आपका, जो भी महीना है सितंबर है, वो सब यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए डेमोग्राफी में सिर्फ यहाँ पे डेमोग्राफी में ही यूज़ हुआ है जो ये सक्सेस हुआ है। नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर पे ये सक्सेस हुआ है, नीचे ये भी डेमोग्राफी पे ही है। एंड उसके नीचे चलेंगे तो ये ओटीपी से वर्क हुआ है, ये यूआईडीआई ऑनलाइन आधार सर्विस पे जो मैंने किया था वो सब यहाँ पे बता रहा है। एंड नीचे और भी चलेंगे तो ये आधार सर्विस पे, ये ओटीपी से, ये भी आधार सर्विस है। यहाँ पे नाम बताएगा कि कहाँ आपका यूज़ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा और स्क्रॉल करके बता देते हैं, ये मैंने जितना भी ओटीपी किया है आधार सर्विस पे ही किया है, क्योंकि मैंने अपना नंबर वेरीफाई किया, अपना मेल वेरीफाई किया है, इसी वजह से यहाँ पे आधार सर्विस पे बता रहा है। तो अभी देख लीजिए यहाँ पे ये ओटीपी यूआईडीआई ऑनलाइन सर्विस पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका डे टाइमिंग भी बताएगा, लेकिन यहाँ पे फेलर बता रहा है, एरर कोड यहाँ पे 403 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, 403 ये एरर मतलब फेल हो चुका है। उसके नीचे यहाँ पे चलेंगे तो इस नीचे देख लीजिए सक्सेस हो चुका है, तो जो फेल हुआ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सक्सेस हुआ उसके लिए थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। तो अदर कुछ ही और दिक्कत हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि कोई और फेक काम हो गया उसमें आपका आधार कार्ड यूज़ हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये देख लीजिए बायोमेट्रिक से यूज़ हुआ है, मतलब कि फिंगरप्रिंट लगा के यहाँ पे सक्सेस किया गया है। सेम इसी तरह आपका कोई भी डिटेल रहेगा वो सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। एंड आपका जो भी आधार कार्ड का हिस्ट्री रहेगा वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, बायोमेट्रिक हो चाहे आप फिंगरप्रिंट से लगाओ या आपका ओटीपी से वेरीफाई करके अपना आधार यूज़ करो, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह आप फ्रॉड होने से बच सकते हो। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि ये मैंने नहीं किया, ये फ्रॉड है, तो आप आधार सेंटर पे जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बोल सकते हो कि ये ऐसा क्यों यहाँ पे शो हो रहा है एंड किस रीज़न से हो रहा है। अगर यहाँ पे आपको बता रहे कि किसी और चीज़ का यहाँ पे नाम दे दे, जैसे कोई बैंक में नाम दे दिया है, तो उस बैंक में जाकर पता कीजिए कि मेरा आधार नंबर किस अकाउंट में यहाँ पे लिंक हो रहा है, या नहीं तो आप किसी CSP पे जाकर आधार नंबर बोल सकते हो कि इस बैंक में अकाउंट है, आधार नंबर फिल करके पता लग जाएगा कि आपका बैंक वो किसके नाम पे है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ में आपको बेल आइकन दिख जाएगा, उसको ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।